रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर, जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रुका रहा। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म में दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डहा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घृणित
औरों का अनादर करने वाले अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं।